बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में आपके साथ 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर शेयर किया जाएगा। और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने पूरा साल तैयारी नहीं की है बेटा, अगर आप लोग इस पेपर को तैयार कर लेते तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। और हो सकता है कि आपका सारा का सारा सेम पेपर आ जाए, हो सकता है बेटा इसमें से कुछ परसेंटेज पेपर में आ जाए, हो सकता है बेटा आप लोगों का जो है इसमें से 20% आ जाए, हो सकता है 50% आ जाए। लेकिन आएगा जरूर। पेपर फॉर द ईयर 2024 के लिए पेपर है, जमात नहीं है, कंप्यूटर साइंस का बेटा पेपर है। तो पहले एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, कंप्यूटर साइंस 2024 का पेपर है, कंप्यूटर साइंस का अल्गोरिथम का तस्वीरी ज़ाहर है बेटा। टोटल 10 नंबर एमसीक्यूज आएंगे और 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। डैश अल्गोरिथम का तस्वीरी ज़ाहर है, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्गोरिथम, इसका आंसर है फ्लो चार्ट। अल्गोरिथम हमें डैश का मजमुआ फराहम करता है। एन अल्गोरिथम प्रोड्यूस अ डिफाइंड सेट ऑफ स्टेप्स, बड़ा हल्का एक्सप्रेशन ए प्लस बी फिर डॉट है ए प्लस सी डैश के बराबर होती है। अगर इस एक्सप्रेशन को बताया जाए तो ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके बराबर निकलेगी, ए डॉट बी प्लस सी, ठीक है। सो ए यहाँ पे प्लस आएगा, बी डॉट सी, ये बेटा इसका आंसर है। बाइनरी सिस्टम में 17 के बराबर होता है, 17 आप लोगों ने बताना है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें 17 लफ्ज़ जो है वो किसके इक्वल निकलता है। 17 का आप लोगों को पता है, 17 की सिंपल आप लोगों ने बेटा पहले तर्जी करनी है, ठीक है। तर्जी करके जो है हमें पता चलेगा कि इसे किस तरह निकलना है। चलिए मैं आप लोगों को जो है वो साथ इसके कर भी देता हूँ, तर्जी कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है, कि कितना आंसर आएगा इसका। 10001, ठीक है, 10001 ये बेटा इसका आंसर आएगा। IPv4 एड्रेस डैश बाइनरी नंबर सिस्टम पर मुश्तमिल होता है, 6 में आई थिंक 64 होते हैं, ठीक है, बिट्स। IPv6 एड्रेस बाइनरी बिट्स से बनता है। सो इसमें जो है वो आप लोगों ने बताने हैं कि कितने जो है वो बाइनरी डिजिट्स होते हैं, इसमें 128 ही होते हैं ये वाले। रूटिंग ऐसा अमल है जिसमें एक आले से डाटा लेकर दूसरे आले को मुख्तलिफ डैश पर भेजा जाता है, चैनल्स पर, पाथ पर, ठीक है, आई थिंक पाथ है या नेटवर्क आएगा, इसे कंफर्म कर लीजिएगा। सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी नकूल बनाना कहा जाता है पायरेसी, हैकिंग, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड, सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपियाँ बनाना से कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। डैश द साइबर अटैक टू मेक मशीन अ नेटवर्क अनलेबल फॉर यूजर्स, विच इज़ अ साइफर अटैक टू मेक मशीन आर नेटवर्क अनअवेलेबल फॉर अ यूजर। कोस, डोस, पोस या कोस, ठीक है, इसका आएगा डोस। वेब पेज को डैश का इस्तेमाल करते हुए बनाया जा सकता है, नोट पैड। डैश टैग यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में डाटा को शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा टैग इस्तेमाल करते हैं। डैश टैग इज यूज टू डिस्प्ले डाटा इन टेबुलर फॉर्म। सो इसमें टी आर भी इस्तेमाल करते हैं, टी डी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेबल रो मतलब टेबल डाटा जो है वो हम टी डी से ही लिखते हैं मोस्टली बेटा। तो उसके बाद बेटा इसका जो लॉन्ग पोर्शन है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, शॉर्ट सवाल आता है, एमसी लॉन्ग सवाल आते हैं वो वाले। तो बेटा आगे बढ़ने से पहले आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर बेटा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा यहाँ से सब्सक्राइब करके इसे नोटिफिकेशन बेल को आपने सिंपल ऑल पे सेलेक्ट कर देना है। और बेटा अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें ताकि बाकी पेपर्स जो है वो भी आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। बेटा लाइक वीडियो को लाजमी कर देना आपने। तो पहला जो डब्बा, पहले डब्बे में 6 सवाल आएंगे, उसमें से आपने 4 करने हैं। अब 9th की जो पेपर होते हैं ना कंप्यूटर का, ये थोड़ा सा चेंज होता है, इसमें नंबर जो है वो आप लोगों के कहने के 6 में से आपने 4 करने होते हैं, बाकी बायोलॉजी का पेपर या दूसरे उसमें 8 में से 5 करने होते हैं। तो एक आप एक मसले को कैसे हल करेंगे, पहला आप एक मसला को कैसे समझ सकते हैं, दूसरा हम बाउंड्री टेस्ट डाटा क्यों इस्तेमाल करते हैं, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन के दरमियान फ़र्क तहरीर करें,
वेब पेज के अहम हिस्सों के नाम लिखें। आप HTML में एक नया पैराग्राफ कैसे बना सकते हैं। हाउ वुड यू सोल्व अ प्रॉब्लम, हाउ वुड यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, हाउ वाई वी यूज बाउंड्री टेस्ट डेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, राइट द नंबर नेम ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ वेब पेज। हाउ वुड यू क्रिएट अ न्यू पैराग्राफ इन HTML, HTML में एक आप एक न्यू पैराग्राफ जो है वो कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, दूसरा डब्बा है जी शॉर्ट सवालात का। इसमें भी सेम आपसे छः सवाल पूछेगा, आपने चार के आंसर करने हैं। सुनाई अदती निज़ाम की खसूसियात तहरीर करें। इसकी खसूसियात ये है कि हर नंबर जो है वो 01 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। राइट द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, कन्वर्ट इंटू हेक्साडेसिमल। इसको आपने हेक्साडेसिमल 16 वाले में चेंज करना है, बाकायदा 16 से तर्जी करनी है आपने। ये एक्सरसाइज में भी है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग की बेटा आपने डेफिनेशन करनी है। व्हाट इज पैटेंट एंड व्हाई वी नीड टू रजिस्टर इट, पैटेंट क्या होता है और हमें इसे रजिस्टर करने की क्यों जरूरत पड़ती है। इसी तरह बेटा नेक्स्ट है आप लोगों का तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन वाला डब्बा, उसमें भी सेम छः सवाल पूछेगा, आपने चार करने हैं। कम्युनिकेशन चैनल को मुखसिर बयान करें, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से कैसे रब्ता कर सकते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक आईपी के दरमियान फ़र्क तहरीर करें, रूटर की वर्किंग तहरीर करें, फ्रंट टैग का मकसद क्या है, मददजाइन कोड की आउटपुट मालूम करें। तो इसकी आपने आउटपुट बतानी है कि बेटा क्या आएगी। इसकी आउटपुट आएगी हाउ आर यू, ठीक है। स्क्रीन पे आपने सिर्फ ये लिख देना है जवाब पे, हाउ आर यू, आपको दो नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद है बेटा लॉन्ग सवाल आता है, फ्लो चार्ट की जरूरियात जांचने का तरीका लिखें। हाउ डू यू डिटरमिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आएगा ही आएगा। आपने पहला चैप्टर छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से इसको रट के जाए, इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप लोगों का पेपर जो है वो कितना अच्छा हो जाएगा। एक्सप्लेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सिस्टम के आपने कॉम्पोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि कौन कौन से होते हैं। साइफर साजी के मतवादी तरीकों को सारे समझा के, एक्सप्लेन सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड्स विद एग्जांपल। आपने सब्स्टिट्यूशन का जो साइफर मेथड होता है वो एक्सप्लेन करना है। ये बेटा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है, आप लोग इसको सिर्फ स्किप कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हाउ यू डिटरमाइन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्लो चार्ट, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। साथ आप लोग जो है वो दूसरा एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं आपने ये एक्सप्लेन कर देने। तो बेटा ये आप लोगों के लिए अहम सवाल थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आप तमाम बच्चों ने वीडियो पूरी देखी होगी और इंशाल्लाह जिस बच्चे ने इन सवाल को याद कर लिए तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कहता बेटा मैंने MCQs जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को ढेरों कामयाबियाँ दें। अल्लाह करे वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस चैनल से तैयारी की है वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो बेटा प्लीज़ यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें अभी, ताकि वीडियो बाकी बच्चों तक जल्दी पहुँच जाए। और काइंडली अगर आपने यहाँ से इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे नहीं सेलेक्ट किया तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे लाजमी सेलेक्ट कर लें, ताकि बाकी पेपर्स की वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचते रहे। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।